आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे 2020-21 का। ये हमारा पेपर है। आप इस पेपर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट राइट द फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी, है ना। अब देखिए, फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। एक तो होता है आपका करेक्टर। करेक्टर में दो कैटेगरी होती हैं, साइंड और अनसाइंड। साइंड अनसाइंड। सेम उसी तरीके से इंटीजर, इसमें भी दो कैटेगरी, साइंड और अनसाइंड और फ्लोट। ठीक, इसकी रेंज करेक्टर साइंड की रेंज होती है -128 टू +127। अनसाइंड का होता है 0 टू 255। इंटीजर साइंड की रेंज होती है -32768 से लेकर +32767। और अनसाइंड की रेंज होती है 0 टू 65535। और फ्लोट की रेंज होती है -3.4E38 टू +3.4E38। ठीक, ये है आपके फंडामेंटल डेटा टाइप तीन, करेक्टर, इंटीजर और फ्लोट एंड इनकी रेंज। और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जो वीडियो बना रखी है आप वहां पे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एल्गोरिथम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। बहुत ही आसान एल्गो है। स्टेप वन लिखिएगा स्टार्ट। स्टेप टू इनपुट ए। स्टेप थ्री इनपुट बी। स्टेप फोर सी इक्वल टू ए प्लस बी। स्टेप फाइव प्रिंट सी। ठीक है, इस तरीके से आप एल्गो बना सकते हैं दो नंबर के एडिशन का। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। एक तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी इस तरीके से कर सकते हैं, a माइनस बी कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी, डिवीजन a डिवाइड्स बी और मॉडुलस a मॉड बी। इसमें क्या बचता है, रिमाइंडर। इसमें क्या बचता है, जो पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। एक्सप्लेन द नीड ऑफ ब्रेक इन स्विच स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। ये मैंने प्रोग्राम बना रखा है, मेन नंबर की वैल्यू 3 दे रखी है, नंबर पे स्विच लगा रखा है, नंबर इक्वल टू 8, केस लगा रखे हैं, केस 8, केस 7, 8, 9, इसके बाद ब्रेक और ब्रेक। तो इसका एग्जाम्पल साथ ये एक्सप्लेन करना है, अगर हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं तो करेक्ट इनपुट पे जो हमारा नंबर होगा वो 8 पे जाके यहाँ पे, अगर केस 8 आएगा तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अगर ये ब्रेक यहाँ पर नहीं लगेगा तो क्या होगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और आगे इसका स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूशन में चलता चला जाएगा, जहां तक भी हमें ब्रेक नहीं मिलेगा। जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक ये कॉन्टिन्यूएशन में एग्जीक्यूशन में आता जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के साथ आप समझा सकते हैं ब्रेक इन द यूज ऑफ ब्रेक इन स्विच। ठीक है, राइट सिंटेक्स ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू का सिंटेक्स ये रहा, लूप के अंदर हम लोग यूज करते हैं, लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, देन फिर अपडेट या आई इक्वल टू आई प्लस 1, इटरेशन लिखते हैं, फिर इफ कंडीशन, कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, जब भी हमारा कंटिन्यू मिलता है उस कंडीशन पे कंट्रोल इमीडिएट जंप टू द स्टार्ट ऑफ द लूप। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू का सिंटेक्स लिख सकते हैं। आप ये सारे हमारे जो चैनल है पीपीएस की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं 3.1 में आपको ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू इन सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और वीडियो 3.2 में स्विच केस का कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन इजी लैंग्वेज में हिंदी मिल जाएगा। तो इन वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं, वहां मैंने फुल डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। देखिए, व्हाइल और डू व्हाइल में दोनों में कंपैरिजन आपको बता देता हूं।
व्हाइल हमारी बेसिकली एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होती है, एग्जिट कंट्रोल्ड, और जो डू व्हाइल होती, सॉरी जो डू व्हाइल होती है वो हमारी एग्जिट कंट्रोल होती है, और जो हमारी व्हाइल होती है वो एंट्री कंट्रोल्ड, एंट्री कंट्रोल। जब मैंने वीडियोस में डिस्कस किया था तो इस सारी बात को बताया था। इसमें क्या होता है, डू व्हाइल में लूप एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस, लूप एग्जीक्यूट्स एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स एट लीस्ट वंस। ये एग्जिट कंट्रोल, ये एंट्री कंट्रोल, इसमें स्टेटमेंट आपके कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लूप्स एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स ओनली आफ्टर टेस्टिंग कंडीशंस, जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को चेक करके ही एग्जीक्यूट होता है, टेस्टिंग कंडीशंस, ठीक है ना। इसके बाद आप सिंटेक्स लिख सकते हैं, तो डू व्हाइल का कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं डू, फिर स्टेटमेंट्स, फिर व्हाइल, और देन फिर यहां पे लगती है कंडीशन। और व्हाइल में क्या होता है, व्हाइल यहां पे कंडीशन, देन इसके बाद स्टेटमेंट्स। इस तरीके से आप डू व्हाइल और व्हाइल में डिफरेंस लिख सकते हैं। और कंप्लीट में अगर आपको डिफरेंस पढ़ना है तो वीडियो 2.6 पीपीएस की प्लेलिस्ट में जाके 2.6 वीडियो आप देख लीजिए, वहां पे कंप्लीट मैंने फ्लो चार्ट बना के सभी में ही डिफरेंस कायदे से प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है, वहां से देख लीजिए। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। आप देखिए, जो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं उनको बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप वीडियोस देखने के बाद ही सॉल्यूशंस देख रहे होंगे। तो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एज इट इज में डिस्कस कर चुका हूं उनका मैं वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूं, आप प्लेलिस्ट में सीधा जाइए और वहां से उन वीडियोस को देख लीजिए। स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस मैंने वीडियो 4.5 में फुल डिटेल में डिस्कस किया है, आप वहां से देख लीजिए पीपीएस की प्लेलिस्ट में वीडियो 4.5। इसके बाद डिफाइन सॉर्टिंग एल्गोरिथम विद एग्जांपल, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं 4.3 में, फिर भी मैं आपको एक जनरल सॉर्टिंग एल्गो बता देता हूं। ये देखिए सिंपल बबल सॉर्ट का एल्गो है, आप एरे इंसर्ट करिए जिसको आपको सॉर्ट करना है, रिजल्ट में सॉर्टेड एरे मिलेगा। एन इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, फॉर लूप चलाइए आई इक्वल टू 1 टू एन, 0 टू एन माइनस 1, देन फिर कंपेरिजन के लिए इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1, देन ये लॉजिक वैल्यू इंटरचेंज करने के लिए, अगर ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस 1 तो वैल्यू इंटरचेंज कर दे, है ना। सिंपल ये बबल सॉर्ट का एल्गो है, बाकी आपको सॉर्टिंग डिटेल्स एल्गोरिथम डिटेल्स में मिलेंगी वीडियो 4.3 में, आप वहां से उसको रेफर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्री प्रोसेसर एंड इट्स यूजेस इन प्रोग्रामिंग। तो फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मतलब, मैंने तीन तरीके की डायरेक्टिव्स आपको बताई थी। फर्स्ट वन इज मैक्रोस, सेकेंड वन इज फाइल इंक्लूजन, एंड थर्ड वन इज कंडीशनल कंपाइलेशन, कंडीशनल कंपाइलेशन, ठीक। तो प्री प्रोसेसर का मतलब इट प्रोसेस अवर प्रोग्राम बिफोर पासिंग इट ऑन फॉर कंपाइलेशन, मतलब उस लाइन को सबसे पहले प्रोसेस करता है, ठीक। तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा वीडियो 5.2 में, उसमें से आप इसका रेफरेंस ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट राइट द एडवांटेज फॉर द यूज ऑफ लिंक लिस्ट। देखिए लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें, यूज ओनली एज मच मेमोरी एज नीडेड, जितनी मेमोरी इसको चाहिए उतना ही ये यूज कर सकता है। हम लोग चेंज इंसर्ट और डिलीट आइटम्स इन द मिडिल ऑफ द लिस्ट फेयरली क्विकली, अगर लिंक लिस्ट है तो हम मिडिल में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ट्रेवर्सिंग हमारी क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है, ठीक। डिसएडवांटेज क्या है, लिंक लिस्ट आर नॉट गुड फॉर रेंडम एक्सेस, मीन्स वेन यू वॉन्ट टू एक्सेस एंट्रीज फ्रॉम मेनी डिफरेंट पोजिशन इन द लिस्ट, तो आपको वन बाई वन एक्सेस करना पड़ता है। तो हमें एडवांटेज पूछे गए थे, तो ये रहे आपके एडवांटेजेस फॉर लिंक्ड लिस्ट।
इसके बाद है ब्रीफ द जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद एग्जाम्पल्स। तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिकली पांच जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल लैंग्वेज, इसमें हम लोग लो लेवल लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस है ना, इसको हम कह सकते हैं लाइक मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। इसके बाद जो सेकेंड जनरेशन हमारी आती है उसको हम लोग कह सकते हैं लो लेवल असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। और ये किसमें यूज होती थी, यूज्ड इन कर्नल एंड हार्डवेयर ड्राइव्स, कर्नल एंड हार्डवेयर ड्राइव्स। थर्ड जनरेशन में हमारी जो लैंग्वेज आई वो हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट आ चुका था सी का, सी प्लस प्लस का, जावा, वीबी एंड ऑल। इसके बाद आई फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हमारी लाइक ह्यूमन लैंग्वेज, दैट आर सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज, सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज। इसके एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं पाइथन, रूबी, एसक्यूएल है ना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग यहां पर हमारी होने लगी थी, डेटाबेस प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग आल्सो, एंड स्क्रिप्टिंग। ठीक, इसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो हमारी आई, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा है। फिफ्थ जनरेशन दैट मींस विजुअल टूल्स है ना, विजुअल टूल्स इसमें हमारे यूज होने लगे। लाइक एग्जांपल्स आर मर्करी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओपीएस 5 एंड प्रोलॉग। ठीक, जहां पे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिकली यूज होने लगा था। तो इस टाइप की हमारी इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये नॉर्मल जनरेशंस थी। तो लो लेवल में कौन सी आएगी, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। थर्ड हमारी आएगी हाई लेवल लैंग्वेज में, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये तीनों हाई लेवल लैंग्वेज में थी। ये केवल लो लेवल लैंग्वेज थी जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता था, जहां पर असेंबलर का कॉन्सेप्ट आ चुका था, तो असेंबली लैंग्वेज जैसे कि कर्नल और हार्डवेयर ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए। फिर सी, सी प्लस प्लस, जावा थर्ड जनरेशन में है, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल डेटाबेस की प्रोग्रामिंग ये फोर्थ जनरेशन में है, और विजुअल टूल्स या एआई का यूज जो हमारा होने लगा वो फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा जनरली ये यूज होने लगा। तो ये थी आपकी जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई ऑपरेंड्स, डिस्कस द ऑपरेटर प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर्स। तो ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स कैन बी कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और अ फंक्शन रिजल्ट। जैसे लिखा है एक्स प्लस वाई, प्लस तो हो गया ये ऑपरेटर, और एक्स प्लस वाई क्या हो गया ये ऑपरेंड्स। अगर मैं इसको लिखता हूँ इक्वल टू जेड, तो जेड भी क्या होगा हमारा एक ऑपरेंड्स। तो इसका मतलब ऑपरेंड्स क्या होगा, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू या वेरिएबल या फिर फंक्शन रिजल्ट। अब देखिए जो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंट एसोसिएटिविटी है, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताया था, शॉर्टकट याद करने को मैं अगेन बता देता हूं। पहले क्या था, प्यू मास, तो लिख लीजिए पी यू एम ए एस। फिर बताया था रिबॉक, तो आर ई बी। फिर लिबर्टी, तो एल। इसके बाद टेक, टी ए सी। ये था प्रेसिडेंट्स के लिए, कैसे लिखेंगे, पी मींस पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, और यू फॉर यूनरी ऑपरेटर, एम मींस मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, एस फॉर शिफ्ट ऑपरेटर, इसके बाद आर फॉर रिलेशनल, इसके बाद इक्वल ऑपरेटर, देन बिटवाइज है ना, इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर,
इसके बाद सीक्वेंस ऑपरेटर या कॉमा ऑपरेटर, ये मैंने शॉर्टकट आपको बताया था याद करने का, प्यूमाज, रिबॉक, लिबर्टी एंड टैक। ठीक है, अब देखिए इसकी एसोसिएटिविटी का नंबर डालते हैं हम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिकर्सिव फंक्शन का प्रोग्राम फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, ये मैंने 4.1 में डिस्कस किया हुआ है, इसको देख लीजिए। प्रोग्राम फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 4.2 में डिस्कस किया हुआ है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे, इसको देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर, एरे स्टोर्स मल्टीपल डेटा ऑफ सिमिलर टाइप्स, है ना, विद सेम नेम। इट अलाउज रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स एज एरे ऑफ फिक्स्ड साइज एंड स्टोर्ड इन कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशंस। There is no memory shortage for overflow. हम array किस तरीके से declare करते हैं, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, सेम टाइप के डेटा का हम लोग सेम नेम से स्टोरेज कर सकते हैं। रेंडम एक्सेस अलाउ करता है, contiguous memory allocation होती है, तो no memory wastage. It helpful to store any type of data. ठीक है ना, since the elements in array are stored as contiguous memory allocations, it is easy to iterate at data structure. And unit time is required to access an element if the index is not. ठीक, तो ये कुछ आपके एरे के मैंने एडवांटेज बताए, और एरे को मैंने डिटेल में भी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। एक्सप्लेन फाइल हैंडलिंग एंड राइट ए प्रोग्राम फॉर कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल इनटू अनदर फाइल। पूरा प्रोग्राम एज इट इज डिस्कस हुआ है वीडियो 5.3, तो वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है ये वीडियो 1.8 में, है ना। राइट द स्टोरेज क्लास, स्टोरेज क्लास पे भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, 4.6 वीडियो आप देख लीजिएगा पीपीएस की प्लेलिस्ट में जाके। इसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ 3 नंबर्स, इसका मैंने अलगो तो बताया था वहां पे, प्रोग्राम नहीं बताया था, मैं बता देता हूं। कंट्रोल स्टेटमेंट देखिए, सी में 3 तरीके से होते हैं, स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। इसमें इफ, इफ एल्स इफ, स्विच, इटरेटिव में व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, और जंप में ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट्स होते हैं, इनका जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है मैं वीडियोस की लिंक दे चुका हूं आपको, वहां से आप प्रॉपर इन सबको और स्टडी कर सकते हैं। यहां मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या लिखना है। इसके बाद कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द पैटर्न, ये पैटर्न प्रिंट करने का आपको प्रोग्राम लिखना है। ओके, तो पैटर्न क्या था, पहले 4 स्टार थे, फिर 3 स्टार, फिर 2 और फिर 1। तो सिंपल आप बाकी लिख लीजिएगा, मैं मेन से स्टार्ट करता हूं, मेन, आप इंटीजर ले लीजिए, एक रो के लिए चलेगा, एक कॉलम के लिए चलेगा, इंटीजर आई जे, फॉर लूप लगाइए, आई एक नंबर ऑफ रोज के लिए तो आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 4,
आई प्लस प्लस, जीरो जीरो वन टू थ्री है ना, और फिर मुझे कॉलम प्रिंट कराना है फॉर पहली बार में कितने, एक पहली रो में कितने है? चार, तो j इक्वल टू मैंने फोर से स्टार्ट, थ्री से स्टार्ट किया, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, तो थ्री टू वन जीरो राइट, तो चार बार प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ स्टार ठीक, इसके बाद लाइन चेंज करनी है तो प्रिंट एफ, इससे हो जाएगा लाइन चेंज, बस सिंपल गेट सी एच लगा दीजिए और मेन को बंद कर दीजिए ठीक है ना। यहाँ जीरो वन टू थ्री आई थिंक लेस देन फोर से भी काम चल जाएगा हमारा, तो क्या होगा जीरो वन टू थ्री, तो जीरो वन टू और थ्री ये रोज हो गई, और पहली रो में कॉलम, तो यहाँ पे पहली बार रूप किसने के लिए चलेगी, थ्री टू वन एंड जीरो, तो चार स्टार प्रिंट हो जाएंगे, इसके बाद आई की वैल्यू वन होगी, तो फिर थ्री टू वन, फिर तीन स्टार, फिर थ्री टू, फिर थ्री, इस तरीके से यहाँ पर स्टार वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इस तरीके से आपका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको और डिटेल में पिरामिड्स के पढ़ने हो या इस तरीके की सीरीज के प्रिंट जो है वो हमने वीडियोस में बनाए हुए हैं, आप पिरामिड्स के प्रोग्राम की सीरीज देख लीजिएगा, पिरामिड्स की जो बने हुए हैं प्रोग्राम, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। मैंने इस पर काफी प्रोग्राम पिरामिड्स के हर एक तरीके का एक प्रोग्राम बनाया था जहां पर मैंने पढ़ाया था, वीडियो का रेफरेंस है वीडियो 2.9, इसमें मैंने पिरामिड्स के बहुत से प्रोग्राम बनवाए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस करवाई हुई है। नेक्स्ट कह रहा है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इंटर नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर और नॉट, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम देख लेते हैं, सिंपल मेन ठीक, एक नंबर जिसको आप चेक करेंगे, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर n, इसको इंसर्ट करा लेते हैं स्कैन ऑफ परसेंटाइल d कॉमा m परसेंट n ठीक, और अब एक लूप लगाते हैं व्हाइल n इज ग्रेटर देन जीरो, हम चूंकि लूप लगा रहे हैं तो एक इंटरमीडिएट वेरिएबल q ले लेते हैं, तो q इक्वल टू n कर देते हैं, तो q पर ही हम अब लूप लगाते हैं ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेते हैं रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा q मॉड 10 ठीक, फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट इक्वल टू करा देते हैं रिजल्ट इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, और रिजल्ट इक्वल टू इनिशियल में कर देते हैं हम लोग क्या जीरो ठीक, q इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 10, इसका लॉजिक समझ लीजिए, ये जो मैंने लाइन लिखी क्यों है, फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट किया 5 6 7, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 6 7, भाई n की वैल्यू आप इंसर्ट करोगे 5 6 7, तो q में भी आ जाएगा क्या 5 6 7, अब q इज ग्रेटर देन 0 है तो 5 6 7 इज ग्रेटर देन 0, ऑलराइट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा सबसे पहले 5 6 7 मॉड 10, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी सबसे पहले 7 ठीक है ना, अब रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट की वैल्यू अभी तो 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस 7, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, ये 0 रहेगा 7 ही आ जाएगा, अब q की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 6 7 डिवाइडेड बाई 10, तो यहां पर क्या आ जाएगा 56 फर्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में क्या होगा 56 का मॉड 10 होगा तो क्या पर आ जाएगा 6, अब यहां पे रिजल्ट की वैल्यू कितनी आ चुकी थी 7, तो अब क्या होगा 7 इंटू 10 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 76, और नेक्स्ट क्यू की वैल्यू क्या होगी अब 56 दिस वन डिवाइड बाई 10, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा 5 ठीक, अब इसके आगे क्या होगा 5 अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो 5 मॉड 10 जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5, 5 इंटू 10 प्लस 5 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी 5 इंटू 10 क्यों 76 आ चुका ना, तो 76 इंटू 10 प्लस 5 तो क्या जाएगा 7 6 5, अब 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो क्या मिलेगा 0, अब ये ग्रेटर देन 0 नहीं तो कंडीशन फॉल्स, तो आप क्या मिल गया 7 6 5, मतलब हमने 5 6 7 लिया था और ये क्या मिल गया 7 6 5 रिवर्स आ गया, तो अब इसके नीचे आप नीचे लिखिएगा प्रोग्राम, यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिएगा इफ एन इक्वल टू रिजल्ट, तो प्रिंट एफ नंबर इज प्रिंट एफ पैलिंड्रोम, इट इज पैलिंड्रोम एल्स प्रिंट एफ
नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम, सिंपल प्रोग्राम। तो यहां से मैंने क्या किया, बेसिकली इस लॉजिक से जो मैंने ये लॉजिक बताया था आपको, यहां से बेसिकली मैंने उस नंबर का रिवर्स कैलकुलेट किया है। ठीक, व्हाइल क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्यू मॉड 10 किस में आ जाएगा, रिमाइंडर में आ जाएगा, फिर हम रिमाइंडर को इसमें प्लस कर देंगे रिजल्ट इनटू 10 में, देन क्यू इक्वल टू क्यू मॉड 10। ये मैंने स्टेप्स आपको बता दिए हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप पैलिंड्रोम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट ऑड एंड इवन नंबर्स फ्रॉम द एरे एलिमेंट्स एंड इट्स काउंट। तो सिंपल, एक एरे इंसर्ट कराना है और इवन और ऑड नंबर्स को चेक करना है। देखिए कैसे करेंगे, मेन ले लीजिए, इसके बाद आप एक एरे को सिंपल इंसर्ट करा लीजिए। मैंने वेरिएबल ले लिया एक ए डबल आर, ठीक है ना, इसका साइज मैंने 100 कर दिया सपोज, और एन साइज होगा, तो पहले साइज इंसर्ट करा लीजिए, स्कैन ऑफ परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट एन, ये साइज इंसर्ट हो गया। और एरे कैसे इंसर्ट कराएंगे, फॉर एक आई वेरिएबल चाहिए होगा, आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, स्कैन ऑफ परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट एरे ऑफ आई। ठीक, यहां से इंसर्ट हो गया। अब देखिए यहां से साइज इंसर्ट हो गई, यहां से एरे इंसर्ट हो गया। आप इवन और ऑड कैसे चेक करेंगे, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इसके अंदर कंडीशन लगाइए, इफ एरे ऑफ आई मॉड टू, इवन और ऑड जैसे चेक करते हैं, मॉड टू इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन लग गई। इसके बाद सिंपल आप क्या करिए, दो एरे और ले लीजिए, एक ले लीजिए इवन, इसकी साइज डाल दीजिए सपोज करिए 50, और एक ले लीजिए ऑड एरे, इसकी साइज डाल दीजिए 50। तो अब हम क्या करेंगे, इवन में इवन ऑफ जे, ठीक है, दो वेरिएबल और ले लीजिए इनके लिए, जे और के, जे में हम एरे वैल्यू ट्रांसफर कर लेंगे एरे ऑफ आई, मतलब हमने चेक किया अगर ये इवन है तो इसकी वैल्यू इस एरे में डाल ली, और जे प्लस प्लस, सिंपल। ठीक, एल्स फिर क्या होगा, अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो नंबर ऑड होगा, तो हम एल्स में क्या किया, ऑड वाले एरे में के वेरिएबल के साथ एरे के उस एलिमेंट्स को इंसर्ट करा लिया। इवन वाले तो यहां से ट्रांसफर हो गए और ऑड वाले यहां से चले जाएंगे, और यहां पे कर लिया के प्लस प्लस। ठीक, प्रोसेसिंग कंप्लीट। अब इन दोनों को प्रिंट कराना है, सिंपल आप प्रिंट करा लीजिए। कैसे करेंगे, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन के, आई इज लेस देन, देखिए मैंने क्या किया था, इवन में जे तक गया था और ऑड को के तक किया था, ठीक है, तो आई इज लेस देन इक्वल टू जे आई प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा इवन ऑफ आई। तो यहां से तो ये एलिमेंट प्रिंट कर देगा, और काउंट प्रिंट कराना है तो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा जे प्लस वन, बाई जे इनिशियलाइजेशन जीरो से होगा, तो जे प्लस वन ये क्या प्रिंट कर देगा आपको, काउंट इसका। तो फॉर लूप के साथ तो एक ही बार चलेगी, जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो काउंट प्रिंट हो जाएगा। सेम चीज ऑड के साथ, आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन के, आई प्लस प्लस, सेमी कॉलन है, तो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा ऑड ऑफ आई, यहां से ऑड एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, और इनका साइज प्रिंट कराना हो तो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा के प्लस वन, तो जहां तक लास्ट तक गया होगा वो यहां पे प्रिंट हो जाएगा, इससे आपका साइज प्रिंट हो जाएगा, दैट्स काउंट प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इज प्रोग्राम क्लोज। यहां से इवन एलिमेंट्स एंड काउंट, ऑड एलिमेंट्स एंड काउंट, सॉरी इसमें जे प्लस वन की जरूरत नहीं है, केवल जे प्रिंट करा लीजिए तो उससे भी काउंट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग प्लस वन तो करा ही रहे हैं वहां पर, जे इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइजेशन था, तो जैसे एक एलिमेंट आएगा तो जे पर, तो जे प्रिंट करा लीजिए तो इससे इसका काउंट आ जाएगा, और के प्रिंट करा लीजिए तो ऑड नंबर का काउंट आ जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन सॉर्ट विद एग्जांपल। सिलेक्शन सॉर्ट काफी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है वीडियो 4.3 में, ऑल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मैंने डिस्कस की है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट विद प्रॉपर एग्जांपल, ये वीडियो 5.1
डेडिकेटेड है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, वहां से आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स एंड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो मोड्स वही रीड राइट अपेंड एंड ऑल। इनपुट आउटपुट फंक्शन एफ सी, एफ इनपुट, गेट सी, गेट्स, ये सारे फंक्शंस, ये फुल डिटेल में मैंने टेबल के साथ आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है वीडियो 5.3 में। तो ये बेसिक किस का पेपर, बहुत ही आसान पेपर था। मैंने आपको कुछ जो बताने लायक चीजें थी उन्होंने बता दी, और जो डायरेक्टली वीडियोज में थी तो आप पीपीएस के प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट देख लीजिएगा इन वीडियोज को, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। बाकी किसी स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। बट मुझे लगता नहीं है इतने आसान पेपर में कहीं कोई किसी को डाउट होगा, अगर होता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।